हेलो जी सर, मेरा बैक टू दिन चला एंड बस ऑफ फ्रेंड के साथ। आज मैं एक्चुअली वाला हूँ बांग्लादेशी मम्मी इज प्रूविंग हाउ, मतलब कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक पावर है वो कैसे इम्प्रूव हुई, और पहले जो बांग्लादेश की जो सिटी था आज़ादी के बाद वो काफ़ी पुअर था, और किस तरीके से इन्होंने अपनी मौशिया जो हालत है उनको किस तरीके से बेटर किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो इसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो। ये जीडीपी पर कैपिटा का ग्राफ है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। 2000 में बांग्लादेश के जीडीपी पर कैपिटा करीब आधा था पाकिस्तान का और 75% था इंडिया का। पर 20 साल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का फिगर क्रॉस कर लिया है और अब इंडिया का 80% है। ये हुआ है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, पर इंडिया के साथ ये गैप कम हो सकता है। जैसे साल 2020 में जहाँ इंडिया की इकोनॉमी गिरी 8% से, वही बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ी 3.8% से। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा बांग्लादेश की प्रोग्रेस सोशल इंडिकेटर्स में भी बहुत इंप्रेसिव रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट के मामले में बांग्लादेश दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है। 30 सालों में बांग्लादेश की पॉवर्टी रेट करीब 40% से बस 14% हो गई है। 1975 से यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश को एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की क्लासिफिकेशन दी थी, जो इनकी लोएस्ट क्लासिफिकेशन है। और उसकी प्रोग्रेस की वजह से करीब 2024 में बांग्लादेश इस क्लासिफिकेशन से ग्रेजुएट कर जाएगा। Bangladesh is graduating from the least developed country category on the basis of its achievements in human development. पर बांग्लादेश को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, लोगों ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी इंडिपेंडेंस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्सिस जॉनसन ने कहा था कि बांग्लादेश एक इंटरनेशनल बास्केट केस है, यानी कि ऐसा देश जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया था कि ये देश एक फेलियर है। कई एक्सपर्ट्स मानते थे कि ऐसा देश जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज है और वो कई सूखे से भी गुजर चुका है, वो कैसे डिवेलप कर पाएगा। The country of Bangladesh is also crowded. With 82 million people, it is one of the world's most densely populated countries. Its increasing population and a shortage of food is a severe problem for the country. पर बांग्लादेश ने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। अब उसने ऐसा किया कैसे, हम इस वीडियो में जानेंगे उसके बारे में। बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली थी 1971 में, जब मुक्ति बाहिनी, जो एक बांग्लादेशी आर्म ग्रुप था, उसने एक बड़ा किरदार निभाया था। और ये संभव हुआ था इंडिया के सपोर्ट से, क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना बहुत वायलेंस से हुई थी, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद उनके नागरिक की बेसिक मांग भी पूरी करना मुश्किल हो गया था सरकार के लिए। इसके अलावा 1974 में उधर एक सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा वायलेंस की वजह से करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी को इंडिया में शरण लेनी पड़ी। In this camp near Calcutta, over 2.5 million had to be fed every day. The mere distribution of food was no ordinary problem. Several organizations, Indian and international, worked ceaselessly to feed multitudes of people. इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूज की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और मुश्किल हो गई और देश में गरीबी फैलने लगी। In my country, once rich with golden grain, even a beggar gets nothing today. Oh God, what has happened to my golden Bengal? इसी वजह से बांग्लादेश बहुत हद तक दूसरे देशों की सहायता पर निर्भर करने लग गया। 1980s के दौरान बांग्लादेश का फॉरेन एड उसकी इनकम का 5% था, पर बांग्लादेश की सिचुएशन बदलने लगी और इसके पीछे थे 4 मेन फैक्टर्स। और पहला फैक्टर था बांग्लादेश ने वही तरकीब अपनाई जो कई और एशियन देशों ने अपनाई थी पहले, वो थी लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप दुनिया की बेस्ट शॉपिंग जगहों में जाओगे और उधर से कपड़े उठाओगे, तो अच्छी संभावना है कि आपको एक मेड इन बांग्लादेश कपड़ा दिखेगा। बांग्लादेश दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कपड़ों का। बांग्लादेश की गारमेंट एसोसिएशन के हिसाब से देश की 10% से ज्यादा जीडीपी का शेयर इस इंडस्ट्री को जाता है।
और 1980s में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, पर करीब 30 सालों में गारमेंट फैक्ट्रीज की संख्या 384 से 4000 से ज्यादा तक बढ़ गई है। ये इंडस्ट्री डायरेक्टली करीब 40 लाख लोगों को नौकरी देती है और इनडायरेक्टली करीब 1 करोड़ लोगों को, और करीब 80% लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस इंडस्ट्री ने महिलाओं को नौकरी दी है ऐसे देश में जहाँ टिपिकली वो घर के बाहर काम नहीं करती, जिसने उन महिलाओं की जिंदगी के साथ साथ बांग्लादेश का भविष्य बदल दिया। रेचल हीथ और अहमद मुशफिक मुबारक ने एक पेपर में दिखाया कि वो महिलाएं जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करती थी वो कम बच्चे पैदा करने लगी, उनकी शादी की एज बढ़ी और उनकी एजुकेशन भी बढ़ी। इसे उन्होंने पाया कि वो महिलाएं जो गारमेंट फैक्ट्री के पास रहती थी उनकी एजुकेशन 50% तक बढ़ गई उन महिलाओं के मुकाबले जो एक फैक्ट्री के पास नहीं रहती थी। और ये हुआ कैसे? हीथ और मुबारक कहते हैं कि ये दो तरीकों से हुआ। पहला कि रिसर्चर्स कहते हैं कि फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन चाहिए होती है और मैथ्स की नॉलेज चाहिए होती है, और जब लोगों को पता चला कि उनके एरिया के आसपास एक फैक्ट्री बन रही है और नौकरी अवेलेबल है तो ज़्यादा संभावना थी कि वो अपनी लड़कियों को एक स्कूल में भर्ती कराते और उनकी शादी लेट करवाते। दूसरा तरीका था कि जो लड़कियाँ ऑलरेडी फैक्ट्री में काम कर रही हैं वो अपना पैसा घर वापस भेजती। अब क्योंकि परिवार में ज़्यादा पैसा था इसी वजह से ज़्यादा संभावना थी कि वो अपनी दूसरी लड़कियों को भी एजुकेशन देते। गारमेंट इंडस्ट्री का फायदा बस उन महिलाओं को ही नहीं मिला जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, बल्कि बांग्लादेश की कई महिलाओं को मिला। जैसे वर्ल्ड बैंक ने दिखाया कि गारमेंट इंडस्ट्री ने फीमेल मेल वेज गैप को कम कर दिया, यानी कि जो अंतर होता है मर्दों और महिलाओं की मजदूरी के बीच सेम जॉब के लिए। और बांग्लादेश में वेमेन एम्पावरमेंट करने का एक मेजर जरिया था फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि महिलाएं खुद कंट्रोल कर सकती थी कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती, पर इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कई ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज करी, जिसमें से एक मेजर एसेट क्लास है जो एक ऐसा एसेट है जो आज भी रेलेवेंट है। और इसीलिए मैं आपको अपस्टॉक्स गोल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस वीडियो के लिए। अब एक्सपर्ट्स की माने तो गोल्ड जैसे मेटल्स एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, पर अपस्टॉक्स गोल्ड के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। पहला है कन्वीनियंस, आप इजीली अपना अकाउंट खोल सकते हैं और मोबाइल से ही गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा 24/7 गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा है कि अपस्टॉक्स गोल्ड से आप 24-कैरेट गोल्ड खरीद सकते हैं जिसकी प्योरिटी है 99.9%। तीसरा है सेफ्टी, अब आप चाहे गोल्ड डिजिटली खरीद रहे हो लेकिन अपस्टॉक्स गोल्ड आपके गोल्ड को सिक्योर्ड वॉल्ट्स में रखता है। और फाइनली जहां आपको फिजिकल गोल्ड के बारे में मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं 5-8% तक, ऐसा अपस्टॉक्स गोल्ड के साथ नहीं होता, पर आपको GST जरूर देना पड़ता है 3% का। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपस्टॉक्स गोल्ड को जरूर कंसीडर करें। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। बस एक बात याद रखिए कि अपनी रिसर्च जरूर कीजिए क्योंकि सभी की रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत डिफरेंट होता है, तो एक एडवाइस सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। पर अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। अभी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट बस सरकार की वजह से नहीं हुई बल्कि बांग्लादेशी NGOs ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। ब्राक और कई और दूसरी पॉपुलर NGOs ने लोगों की मेडिकल और फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करी, स्कूल्स बनाए और कई पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स भी करे। और अरविंद सुब्रमण्यन जो इंडिया के एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने बांग्लादेश की इस डेवलपमेंट को अनोखा बताया है। वो कहते हैं कि यूजुअली डेमोक्रेटिक देशों में सरकारों को पता है कि उनको पॉपुलर रहने के लिए लोगों की मदद करनी होगी, पर अगर वो ये जिम्मेदारी दूसरी संस्थाओं को दे देंगे तो उसकी संभावना बढ़ जाती है कि ना ही वो इलेक्शन हार सकते हैं बल्कि करप्शन करने का एक साधन भी जा सकता है। जैसे इंडिया में रिसर्च ने दिखाया है कि रोड कंस्ट्रक्शन एक बहुत पॉपुलर तरीका है पॉलिटिशियंस को घूस लेने का, जहां वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं जो उनको बदले में घूस देता हो। और वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा इफेक्टिव दूसरी संस्थाएं हो जाएंगी एजुकेशन और हेल्थ केयर देने के लिए नागरिकों को, उतना ज्यादा डर सरकारों को लगेगा। पर वो कहते हैं कि बांग्लादेश में हमें ऐसा नहीं देखने को मिला है, और वो इस चीज के लिए एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जिन कंडीशंस के दौरान बांग्लादेश बना तब बहुत वायलेंस था और बहुत ज्यादा गरीबी थी, इसी वजह से जो सरकार भी थी वो बहुत कमजोर थी, और जब सरकार बेसिक चीजें नहीं दे पाई नागरिकों को तो NGOs को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दूसरी एक्सप्लेनेशन वो देते हैं कि बांग्लादेश के जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो बहुत कम है,
अब ऐसी सिचुएशन में जब सरकार टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही तो वो स्कूल जैसी चीज़ें कैसे बनाएंगे। इसी वजह से NGOs ये काम करने लग गई और उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी किया। रिसर्च ने दिखाया कि उनके काम की वजह से बच्चों की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आई है, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ी है, टॉयलेट्स का यूज़ बढ़ा है और गरीब महिलाओं के भी स्वास्थ्य की जानकारी भी बढ़ी है। और फाइनली बांग्लादेश की एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रही है। जब बांग्लादेश की मांग बढ़ रही थी तब जियोपॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, जहां इंडिया और सोवियत यूनियन एक साइड में थे, वहीं US और पाकिस्तान दूसरी साइड में थे। आज के दौर में सोवियत यूनियन को चाइना ने रिप्लेस कर दिया है। ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद बांग्लादेश ने ऐसी फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करी है जिससे उसको कई बेनिफिट्स मिले हैं। ऐसा पहला फॉरेन एड, इसके बावजूद कि US बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस नहीं चाहता था, फिर भी US ने बहुत फॉरेन एड दिया बांग्लादेश को। दूसरा रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस क्या होते हैं? रेमिटेंसेस वो पैसा है जो वर्कर्स जो दूसरे देशों में काम कर रहे होते हैं वो अपने घर वापस भेजते हैं। बांग्लादेश की रेमिटेंसेस उसके GDP का करीब 6% है। आधे से ज्यादा रेमिटेंसेस ये मिडिल ईस्ट देशों से आते हैं, जहाँ बांग्लादेशी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कुक्स, ड्राइवर्स, टेलर्स, वेटर्स और सेल्स पर्सन जैसी जॉब्स करते हैं। और एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने पाया कि ऐसे घरों में जहाँ एक सदस्य एक फॉरेन देश में काम कर रहा है, उनकी ज्यादा इनकम भी है और सेविंग्स भी, शायद क्योंकि ये परिवार रेमिटेंस का पैसा प्रोडक्टिव चीजों में खर्च करते हैं, जैसे खाना, जमीन खरीदना और लोन वापस देना। और रिसर्च ने दिखाया कि इन रेमिटेंसेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है बांग्लादेश की इकोनॉमी पर। तीसरा कि अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश के लिए आसान हो गया था अपने कपड़े या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बेचना कई अमीर देशों में, और उन्होंने अवॉइड किया जिसको कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं एड कर्स, यानी कि वो देश जिनको बहुत ज़्यादा फॉरेन एड मिलता है, यानी कि दूसरे देशों से सहायता मिलती है, उनकी एक्चुअली इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार देश ऐसे फॉरेन एड में बहुत ज़्यादा निर्भर करने लग जाते हैं और कई बार करप्शन भी देखा जाता है इन चीज़ों में। अरविंद सुब्रमण्यन और रघुराम राजन ने एक रिसर्च पेपर में दिखाया कि फॉरेन एड एक्चुअली एक देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो उनके एक्सचेंज रेट को और मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर बांग्लादेश इस फॉरेन एड कर्स से नहीं गुजरा, और सुब्रमण्यन कहते हैं कि इसके पीछे एक मेजर कारण था कि बांग्लादेश को फॉरेन मार्केट्स में एक्सेस मिल गई थी। अब इसका मतलब क्या है? यूजुअली जब एक देश एक दूसरे देश को एक्सपोर्ट करता है तो उन चीजों पर एक ड्यूटी लगती है, और उस ड्यूटी की वजह से ऐसी चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, इस वजह से कंज्यूमर्स ऐसी चीजों को नहीं खरीदते। पर ट्रेड अग्रीमेंट्स के जरिए कई अमीर देश ऐसी ड्यूटीज को हटा देते हैं उन प्रोडक्ट से जो गरीब देशों से आते हैं, और बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ ही सालों में बांग्लादेश ने बहुत प्रोग्रेस करी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेम फॉर्मूला बांग्लादेश यूज कर रहा है वो इफेक्टिव रहेगा भविष्य में भी। ऐसे कई लोगों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही निर्भर है अपनी गारमेंट इंडस्ट्री में। इसी वजह से अगर कोविड जैसा इवेंट होता है जहां लोग कपड़े ज़्यादा नहीं खरीदते और एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो गारमेंट इंडस्ट्री को तो नुकसान झेलना ही पड़ता है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी झेलना पड़ता है। बांग्लादेश के करीब 80% एक्सपोर्ट्स गारमेंट से आते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बांग्लादेश को दूसरी इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना होगा। और कोविड अकेला कारण नहीं है, बांग्लादेश को जो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रही थी अमीर देशों में वो खत्म होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश को वो एक्सेस मिल रही थी क्योंकि वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी। जैसे ही वो इस कैटेगरी से ग्रेजुएट करती है उनको भी ड्यूटी देनी पड़ेगी दूसरे देशों की तरह। इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री की कई जॉब खत्म हो सकती है, क्योंकि वो काम भविष्य में रोबोट कर सकते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री की करीब 60% जॉब्स खतरे में है ऑटोमेशन की वजह से। इसके अलावा कई लोगों को इस इंडस्ट्री में बहुत कम मजदूरी मिलती है और वो बहुत अनसेफ जगहों में काम कर रहे हैं। ये हम में से कई लोगों के लिए ऑब्वियस हुआ था 2013 में। It was pure chaos. A giant plaza with a market and several clothing factories inside. जब एक बिल्डिंग जहां कई गारमेंट फैक्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर गई थी और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब उस इंसिडेंट के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर आई है, पर अभी भी कई गारमेंट वर्कर्स की हालत बहुत खराब है। इकोनॉमिक चैलेंजेस के अलावा बांग्लादेश अभी दो और चैलेंजेस से गुजर रहा है। जहां बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ी है वहीं पॉलिटिकल फ्रीडम देश में कम हुआ है। कई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स को धमकी दी गई है, जेल किया गया है और कुछ को तो मारा भी है। अब ऐसे सरकारी कंट्रोल के बावजूद शॉर्ट टर्म में तो बांग्लादेश ग्रो कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट चैलेंज, जो शायद बांग्लादेश का सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है क्लाइमेट चेंज का।
2000 और 2019 के बीच दुनिया में बांग्लादेश 7th मोस्ट इफेक्टिव देश था एक्सट्रीम वेदर से। फ्लड्स और साइक्लोन्स बहुत कॉमन हो गए बांग्लादेश में, जैसे हमने देखा साइक्लोन फैनी के दौरान, और इसका सबसे ज्यादा भुगतान करेंगे गरीब बांग्लादेशी जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और शहर जाकर बहुत बेसिक नौकरियां करनी पड़ रही हैं। पर इन चैलेंजेस के बावजूद हम में से कई लोग बहुत सीख सकते हैं बांग्लादेश की जर्नी से, जहाँ बांग्लादेश ने लगातार कई लोगों को गलत साबित किया है। और अगर इंडिया के लिए एक लेसन है तो वो है ये ग्राफ, जहाँ बांग्लादेश में ज़्यादा महिलाएं वर्कफोर्स को एंटर कर रही है, इंडिया में ऑपोजिट हो रहा है। और इस मुद्दे के बारे में हमने अपने रीसेंट वीडियोज़ में बात भी करी थी, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूव करनी है तो ज़्यादा भारतीय महिलाओं को फॉर्मल इकोनॉमी में आना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम इंडिया के ग्राफ में भी बहुत बढ़ोतरी देख सकते हैं। So I hope you guys liked the video. Let me know in the comment section how you felt about it. And don't forget to open an Upstocks Gold account. Link is in the description. सुपर एनिमेशन ये बांग्लादेशी इकोनॉमी के बारे में कि वो किस तरीके से बूमिंग कर रही है, हाउ मतलब किस तरीके से वो इम्प्रूव कर रही है। जैसे बांग्लादेश की जो कंट्री बना था वो शुरू में काफ़ी पुअर था, बाद में तरक्की करते गए, ये कि इनकी जो ज़्यादा 83% जो इनकी जो डिपेंड करता है इकोनॉमिक पावर, वो इनकी कपड़ों की जो कारखाने होते हैं, काम करने वाले होते हैं, इन पर डिपेंड करता है। क्योंकि इनकी जो लेडीज़ होती हैं कि 83% से 85% तक की लेडीज़ काम करती हैं उन कंपनियों में। जो लेडीज़ जो होती हैं वो काम करती है और जो मनी होती है वो सेव करती हैं और वो इन्वेस्ट करती हैं पैसे, तो उनके और इनको इन्वेस्ट की वजह से इनको भी काफ़ी प्रॉफिट हासिल होता है। सो इस वजह से ये कि अपने लाइफ में कुछ बेटर कर सकती हैं, ये कि एक आम इंसान भी अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ कर सकता है। सो काफ़ी अच्छी लगी मुझे वीडियो, और बांग्लादेश की इकोनॉमिक पावर है, इनके रीज़न भी पता चल गया है, काफ़ी कुछ मालूम हुआ है बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में। सो मुझे तो काफ़ी अच्छी वीडियो लगी और इन्फॉर्मेशन वाली लगी, सो मैं अपना इस पर ज़रूर रिएक्शन दूँ। एंड मैं जो कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हूँ वो भी अपलोड करूँ रिएक्शन वीडियो में। सो आपको वीडियो किस लगी, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं तो सुनेंगे वीडियो मिलती है।